खिंचवाना किसे पसंद नहीं है और हर कोई चाहता है कि उसकी फोटो अच्छे से खींची जाए और वो अपनी खींची हुई तस्वीर में सबसे सुंदर नजर आए। ये मुश्किल आज आपकी हल करेगा सास बहू और साजिश, जो आज टिप ऑफ द डे में लाया है मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के टिप्स, जो आज आपको बताएंगे कि फोटोज कैसे खींची जाती है, सेल्फीज कैसे निकाले जाती है और इसके साथ ही वो बताएंगे आपको कि कैमरे की देखभाल कैसे की जाती है। फोटोग्राफी वाइज काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अगर इफ योर फेस इज लिटिल हैवियर, एक तो पहले एंगल का चॉइस, जैसे हम कैमरा का पोजीशन थोड़ा हाइट से ले सकते हैं तो यू ऑटोमेटिकली तो चिन होगा तो इतना हैवी नहीं लगेगा। देन वन थिंग विच द पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कैन फॉलो इज टू एक्सटेंड द चिन थोड़ा सा, नॉट टू डू दिस इंस्टेड, पुश योर चिन टूवर्ड्स द कैमरा हल्का सा, तो दैट विल गिव यू अ लिटिल बेटर जॉ लाइन। एंड द अदर ऑप्शन इज ऑल्सो जो लाइटिंग करते हैं हम, विद दैट ऑल्सो यू कैन क्रिएट शेडोज एंड स्टफ के टू हाईलाइट द यू नो द बेटर एंड हाइड द फ्लॉज। मैं सेल्फी का फैन नहीं हूँ ऑनेस्टली, बट आई थिंक जो टेक्निक मैंने विच आई ट्राई टू यूज, अगर जब मैं सेल्फी करता हूँ तो मैं वो टाइमर रखता हूँ, तो इमीडिएटली क्लिक नहीं हो तो वो दबा के 3 सेकेंड का टाइमर रखते हैं, तो इट गिव्स यू दैट 3 सेकेंड्स तो पोजिशन में आने के लिए और एंगल सेट करने में और कैमरा कौन सा बेटर है। तो फर्स्ट थिंग जब भी आप सेल्फी ले रहे हो, द मेन थिंग इज़ फर्स्ट आप चारों तरफ घूम के देखिए किस तरह से लाइट बेस्ट लग रही है, तो उसके हिसाब से अगर लाइट जितनी कॉम्प्लीमेंट्री हो, ओपन शेड हो, ज़्यादा हार्श लाइट नहीं हो, सो दैट्स द परफेक्ट लाइट टू शूट इन फॉर योर सेल्फी। और थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा हाई रख सकते हैं आई लेवल से, उससे जॉ लाइन अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा नीचे लेते हैं तो फिर इट डजंट कॉम्प्लीमेंट द फेस, सो आई थिंक थोड़ा हाई कैमरा स्लाइटली हायर देन द फेस वो अच्छा एंगल देता है। मोस्ट पीपल लुक एट देमसेल्व्स, यू शुड ट्राई एंड लुक एट द लेंस ऑफ द कैमरा। द एनिमी ऑफ कैमराज इज वाटर, पानी बहुत मॉइस्चर जो बोलते हैं, तो अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो वैसे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है कैमराज में, बट इफ़ आप लेके स्टोर कर रहे हो और टाइम टाइम से निकाल रहे हो देन यू कैन सिलिका जेल जो मिलता है उसको मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है एंड वंस इन अ वाइल उसको बैटरी निकाल के रिचार्ज करके थोड़े क्लिक्स करके तो वो शटर ज़्यादा जैम नहीं होगा। नहीं तो कैमराज अगर यूज़ नहीं करें स्पेशली इन बॉम्बे वेदर, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्वाइट हाई इन बॉम्बे, प्लस सी वाटर जो है यहाँ का थोड़ा खारा पानी है, तो उससे भी कैमरा ख़राब हो सकते हैं। तो और लेंसेज में फंगस आ सकते हैं अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो एल्बम्स आजकल ज़्यादा लोग रखते नहीं हैं, ज़्यादा करके डिजिटल एल्बम्स बनते हैं जिसको फोटोज़ प्रिंट करके रखना है एंड दे वॉन्ट टू स्टोर देम, जो पुराने स्टाइल में जो बटर पेपर और जो पुराने एल्बम्स होते थे, दोज वर द बेस्ट ऑप्शंस। तो एक ब्लैक कार्ड पे आप प्रिंट लगा रहे हैं, उसके ऊपर एक बटर पेपर, फिर वापस कार्ड पर पेपर, जो ओरिजिनल रिस्टोरिंग ओल्ड स्टाइल फोटोग्राफ्स की थी, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। जो आजकल के जो नए प्लास्टिक एल्बम्स है उसमें मॉइस्चर के वजह से वापस यू नो इट गेट्स स्पॉइल्ड। डब्बू रत्नानी वही फोटोग्राफर हैं जो आपके फेवरेट सितारों को कैमरे में कैद करते हैं और आपके फेवरेट सितारों के ये फेवरेट फोटोग्राफर हैं जो पूरे साल बस वेट करते हैं कि कब डब्बू रत्नानी के कैलेंडर में उन्हें जगह मिले और डब्बू रत्नानी उनकी फोटोज क्लिक करें। फिर चाहे वो किंग खान हो या फिर बॉलीवुड की हॉट डिवाज, हम उम्मीद करते हैं कि डब्बू रत्नानी के ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे और आप इन टिप्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मुंबई से रवि जैन के साथ ज्योता मित्रा की रिपोर्ट।